खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पर कराची में रात 11 बजे के बाद शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची का कहना है कि मुहिम दो हफ्ते बाद शुरू की जाएगी। मुहिम की तारीख का फैसला आइंदा हफ्ते इजलास में किया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी के लिए खसूसी इकदाम किए जाएंगे। कमिश्नर कराची इफ्तखार शिलवानी की जेर सदारत शादी हॉल्स के औकात के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, पुलिस और बल्दियाती अफसरान ने शिरकत की। इजलास में शादी हॉल्स की टाइमिंग और तकरीबात से पैदा होने वाले ट्रैफिक के दबाव को दूर करने से मुतालिक इकदामात पर गौर किया गया। कराची में रात 11 बजे के बाद शादी हॉल में तकरीबात पर पाबंदी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी के लिए खसूसी इकदामात का भी फैसला किया गया। कमिश्नर कराची इफ्तखार शिलवानी का कहना है कि कानून पर अमल दरामद ना करने की सूरत में हॉल सेल किए जाएंगे। शादी हॉल मालकान को मुहिम शुरू करने से पहले वार्निंग दी जाएगी। कमिश्नर कराची का कहना है कि रात 11 बजे के बाद तकरीबात पर पाबंदी की मुहिम की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए आइंदा हफ्ते फिर इजलास होगा, जिसमें मुहिम की तारीख का फैसला किया जाएगा। ताहम गुज़िश्ता वर्ष मार्च में भी शादी हॉल से मुतालिक ये फैसला किया गया था, लेकिन इस पर अमल दरामद देखा नहीं गया।